सो इस वीडियो के अंदर हमने 24 डिफरेंट क्वेश्चंस करने हैं ताकि कम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस, मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे क्लियर हो जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन में हमें चार नंबर गिवन है जो हैं 1, 2, 3, 4, और हमने इन नंबरों को यूज़ करके लेंथ 3 के सारे पॉसिबल परम्यूटेशन बनानी है और सारी कम्बिनेशन बनाने हैं। सो हमारे पास चार नंबर है 1, 2, 3, 4, हमने लेंथ 3 के परम्यूटेशन भी बनानी है और लेंथ 3 के कम्बिनेशन भी बनाने हैं। सही। सो मे बी पहले हम पार्ट नंबर बी कर लेते हैं फिर पार्ट नंबर ए कर लेते हैं। सो पार्ट नंबर बी हमारे पास क्या है, हमें पता है कि जी सोल्यूशन जो पार्ट बी है इसका आंसर क्या है जी, कम्बिनेशन का हमारे पास फार्मूला वो होता है जी एन चूज के, और इस केस में हमारे पास एन फोर है और N4 है और K3 है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 4 factorial over 3 factorial over 4 minus 1 is 1 factorial, तो इसका आंसर 4 आता है। सो हमारे पास टोटल 4 कम्बिनेशन बन सकते हैं। सो एक इम्पॉर्टेंट बात जो है ना यहाँ पे नोट करने के लिए ये है कि जो ऑर्डर है वो परम्यूटेशन में मैटर करता है और कम्बिनेशन में मैटर नहीं करता। सो बेसिकली परम्यूटेशन का मतलब भी है चीज़ों को ऑर्डरिंग करना। सो परम्यूटेशन का मतलब ऑर्डरिंग करना। सो ऑर्डर जो है मैटर करता है इन केस ऑफ परम्यूटेशंस। वेयर एज ऑर्डर मैटर नहीं करता कम्बिनेशन के केस के अंदर। कम्बिनेशन का मतलब है खाली ग्रुप्स बनाना, जबकि परम्यूटेशंस का मतलब है चीज़ों को ऑर्डर करना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट है यहाँ पे रॉन्ग है। सो इसका मतलब है कि ये फोर चीज़ें को बताना चाहिए कौन सी ये फोर चीज़ें हैं, तो हम इनको लिख भी सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ये कौन से फोर कम्बिनेशंस हैं। हमारे पास एक कम्बिनेशन आ सकता है 1, 2, 3, एक कम्बिनेशन ये आ सकता है, एक कम्बिनेशन आ सकता है हमारे पास 1, 3 एंड 4, एक कम्बिनेशन आ सकता है हमारे पास 2, 3 एंड 4, और एक और हमारे पास आ सकता है 1, 2 एंड 4। सो बेसिकली ये जो है चार कम्बिनेशन पॉसिबल हैं। हम डिफरेंट ऑर्डरिंग नहीं कंसिडर कर सकते 1, 2, 3 की, क्योंकि जो ऑर्डरिंग है वो खाली परम्यूटेशन के केस में कंसिडर करते हैं। सो अब करते हैं पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए ये है कि हमने सारे के सारे ऑर्डर्स बताने हैं जो इनकी लेंथ 3 हो, सारी ऑर्डरिंग बतानी है क्योंकि परम्यूटेशन ऑर्डरिंग है। सो हम ये हमारे पास 3 स्लॉट्स हैं, 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट। पहले स्लॉट के अंदर हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो हमारे पास यहाँ पर 4 में से कुछ भी आ सकता है। सेकंड स्लॉट के अंदर हमारे पास 4 में से, क्योंकि एक हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया तो 3 रह गए, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आखिरी स्लॉट के अंदर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे भी एक इस्तेमाल कर लिया, यहाँ भी एक इस्तेमाल कर लिया, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। तो इसका आंसर आता है 4 × 3 × 2 विच इज़ इक्वल्स टू 24। सो इसका आंसर 24 आता है। तो इस केस में जैसे ये 4 थे, 4 पॉसिबिलिटीज़ थी, तो इस केस में हर 4 के अगेंस्ट, हर एक के अगेंस्ट 6 बनेंगी, यानी इसके अगेंस्ट में हमारे पास 6 डिफरेंट बनेंगे, क्योंकि इनकी जो ऑर्डरिंग है ना, क्योंकि 3 factorial 6 होता है, तो क्योंकि ये 3 है तो इसका मतलब है कि इनकी कितनी दफ़ा ऑर्डरिंग हो सकती है, 6। तो इसमें हर एक जो है कम्बिनेशन के अगेंस्ट हमारे पास 6 डिफरेंट ऑर्डरिंग आएंगी, टोटल ऑर्डरिंग हमारे पास 24 बन जाएगी। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला हमें पता है कि जिसका फार्मूला जो था हमारे पास n फैक्टोरियल था, मगर अब हमने n फैक्टोरियल में सारे का सारा इस्तेमाल नहीं किया, हमने n फैक्टोरियल में से कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया, कुछ हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया। तो इसका फार्मूला जो है इस केस में क्या होगा कि जी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस k फैक्टोरियल। अगर हम k जो है वो n से छोटा हो तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसका आंसर इस केस में क्या आता है कि हमारे पास n जो था वो 4 फैक्टोरियल था, k हमारे पास 3 था, तो 4 − 3 factorial, तो बेसिकली इसका आंसर 4 फैक्टोरियल ही आ गया जो इज इक्वल टू 24 है। सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन।
सो क्वेश्चन नंबर टू के अंदर हमारे पास 7 टीम्स हैं जो कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेल रही हैं, और हमने देखना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ मुमकिन है। तो 7 टीम्स में से कितनी टीम्स जो हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सकती हैं, कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो सोल्यूशन, अच्छा जी, अब पहले ये डिसाइड करना है कि क्या ये सवाल जो था, ये सवाल जो है ये कम्बिनेशन का सवाल है कि परम्यूटेशन का सवाल है। अगर ये सवाल परम्यूटेशन का होगा तो ऑर्डर मैटर करेगा। इस केस में जो हमारे पास जो रिजल्ट आया उसमें ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट टीम कौन सी आ सकती है, सेकंड कौन सी आ सकती है, थर्ड कौन सी आ सकती है। अगर हम कोई सी भी 3 टीमें सेलेक्ट कर लें तो ये नहीं मैटर करता, हमें ये भी बताना है कि जो 3 टीमें सेलेक्ट की हैं इनमें से फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी। मिसाल के तौर पर हम कहें कि जी हमने 3 टीमें सेलेक्ट की हैं, लेट से इंडिया, पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। तो हमने ये 3 टीमें सेलेक्ट की हैं, हम कहें जी 3 टीमें सेलेक्ट करनी है, मगर ये वाली जो सिलेक्शन है ये वाली सिलेक्शन इससे डिफरेंट है कि जी हमने पाकिस्तान, इंडिया और साउथ अफ्रीका जो है ना वो सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि इस केस में इंडिया फर्स्ट था, पाकिस्तान सेकंड था और साउथ अफ्रीका थर्ड था। इस केस में पाकिस्तान फर्स्ट है, इंडिया सेकंड है, साउथ अफ्रीका थर्ड है। सो बेसिकली इस सवाल के अंदर जो है वो ऑर्डर मैटर करता है। सो जब ऑर्डर मैटर करता है तो हमें पता है कि जी हमारे पास परम्यूटेशन का फार्मूला क्या है। वो फार्मूला क्या है कि जी एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस के फैक्टोरियल, ठीक है। सो हमारे पास एन जो था वो था जी, हमारे पास 7 टीम्स हैं, 7 टीम में से जो हमने के था वो 3 था, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। सो बेसिकली इसका आंसर आएगा 7 टाइम्स 6 टाइम 5 टाइम्स 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, और फिर 7 टाइम 6 टाइम 5, आई थिंक इट इज़ 120, नहीं 210, इट इज़ 210। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब फिर से कोई बंदा सवाल कर सकता है कि ये वाला फार्मूला आया कहाँ से। तो ये फार्मूला कैसे आया कि जी हमारे पास जो है इस केस में हमारे पास 7 टीमें थी और हमारे पास 4 स्लॉट्स थी। तो हम कह सकते हैं कि जी हमारे पास इस तरह से था कि पहली स्लॉट थी, इसमें हमारे पास 7 की 7 टीमों में से कोई भी फर्स्ट आ सकती है। सेकंड स्लॉट थी, हमने इसमें जो है 1 टीम यहाँ पर सेलेक्ट कर ली तो 6 टीमें रह गई। थर्ड स्लॉट थी और वो उसमें 5 हमारे पास आंसर आ सकता है, 5, क्योंकि हमने 2 टीमें तो फर्स्ट सेकेंड आ गई हैं, थर्ड में 5 पॉसिबिलिटीज रह गई हैं। फोर्थ स्लॉट थी, इसका आंसर 4 आ सकता है। तो बेसिकली ये हमारे पास आंसर आएगा इस सवाल का, और यही आंसर यहाँ पे भी आ रहा है कि जो है सॉरी हमारे पास ये आखिरी स्लॉट नहीं है, हमारे पास थर्ड पोजिशन तक हमने जाना है। तो फर्स्ट फर्स्ट में 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं, सेकंड में 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं और थर्ड में 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये वाला आंसर हमारे पास जो है 210 का है। चाहे हम फार्मूला लगा के कर लें, चाहे हम ऐसे कर लें, हमारे पास आंसर सेम आएगा। सो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आयशा जो है उसके पास 5 सॉन्ग्स हैं, और नहीं उसके पास 7 सॉन्ग्स हैं, और वह 7 सॉन्ग्स में से जो है ना अपने 5 सॉन्ग्स जो है चूज़ करना चाह रही है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ टोटल बन सकती हैं इसके चॉइस की। सो इसमें हम दोबारा से ये देखना है कि क्या ये परम्यूटेशन का सवाल है या कम्बिनेशन का सवाल है, क्योंकि अगर परम्यूटेशन है तो ऑर्डर मैटर करता है, अगर कम्बिनेशन है तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। इस सवाल के अंदर जो वो 5 सेलेक्ट करेगी उसका उसका ऑर्डर नहीं चाहिए, वो अगर 5 किसी ऑर्डर में भी सेलेक्ट हो जाए तो वो सही है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि जी उसने अपने 5 सॉन्ग्स को उसने रैंक भी करना है, उसने भी बताना है कि 5 के अंदर कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है। उसने 5 सॉन्ग्स को रैंक नहीं करना, उसने बस 5 को अनऑर्डर्ड उठाना है, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये परम्यूटेशन का सवाल नहीं है, ये कम्बिनेशन का सवाल है। तो इसका आंसर क्या आएगा जी, इसका आंसर आएगा 7 चूज 5। सो 7 चूज 5 विच इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, और 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, 7 माइनस 5 फैक्टोरियल विच इज 7 माइनस 5 2 फैक्टोरियल। इसको हल करते हैं तो इसका आंसर आएगा जी 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 फैक्टोरियल ओवर
फाइव फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल का आंसर टू ही आता है, जहाँ पर टू का टू रह जाएगा, फाइव से फाइव कट गया, थ्री आ गया, इसका आंसर 21। सो होपफुली के बाय नाउ जो कम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस के अंदर जो है ना फ़र्क कुछ वाजिया होना शुरू हो गया होगा। अगर मैं ये कहता कि जी उसने सॉन्ग्स को यहाँ पर रैंक भी करना है फाइव सॉन्ग्स को, तो इसका आंसर जो था कुछ काफ़ी डिफरेंट आता, इससे काफ़ी बड़ा आता, क्योंकि वो कम्बिनेशंस जो है ना वो परम्यूटेशन का सवाल बन जाता। सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर हमारे पास आठ डिफरेंट जो है फूड आइटम्स हैं, और हमने इन आठ डिफरेंट फूड आइटम्स को, ये डिस्टिंक्ट फूड आइटम्स हैं, हमने इन आठ डिस्टिंक्ट फूड आइटम्स को यूज़ करते हुए थ्री ब्रेकफास्ट बनानी है, टू लंचेस बनाने हैं और थ्री डिनर्स बनाने हैं। सो सवाल ये है कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इन आठ आइटम को यूज़ करते हुए। तो ये जो सवाल है ना, तो ये कम्बिनेशन का सवाल है ना परम्यूटेशन का सवाल है, बल्कि ये जो है मल्टी नोमिनल कोफिशेंट का सवाल है। सो सोल्यूशन इस तरह से है कि जी मैं कहूँगा जी एट फैक्टोरियल, टोटल आइटम हमारे पास एट है, हमने इनमें से थ्री डिफरेंट जो है वो ब्रेकफास्ट बनानी है, तो थ्री फैक्टोरियल टाइम्स हमने इसके अंदर टू लंचेस बनाने हैं, टू फैक्टोरियल और हमने थ्री डिनर्स बनाने हैं। तो ये इस सवाल का बेसिकली जवाब आएगा। इसको आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि जी किस तरह से हमारा ये वाला फार्मूला कैसे निकला, मतलब फार्मूला हमारे पास जो फार्मूला था एन फैक्टोरियल ओवर एन वन फैक्टोरियल एंड टू फैक्टोरियल से लेके एन आर फैक्टोरियल। एक लॉटरी आपको अलाउ करती है कि आप दो डिजिट का नंबर जो है वो चूज़ कर सकते हैं, और जो नंबर आप चूज़ करेंगे उसका जो पहला डिजिट होगा वो भी वन से लेके थ्री तक हो सकता है, और जो सेकंड डिजिट है वो भी वन से लेके थ्री तक हो सकता है। सो इस सवाल में ये कहा है कि आपने एक ट्री डायग्राम बनानी है और आपने दिखाना है कि जी लॉटरी के कितने पॉसिबल लॉटरी टिकट हो सकते हैं। सो ट्री डायग्राम के अंदर सबसे पहले हमारे पास सबसे ऊपर रूट होता है, फिर हमारे पास जो पहला लेवल हम बना रहे हैं ये लॉटरी का जो है पहले नंबर के बारे में। सो जो पहला नंबर है इसकी तीन पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो नंबर वन हो सकता है, या तो वो नंबर टू हो सकता है, या वो नंबर थ्री हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं पहले नंबर के लिए। सो ये लेवल जो था ये फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है लॉटरी के। सो जो लेवल है लेवल फोर फर्स्ट डिजिट ठीक है। सो इसके बाद क्या है कि जब हमने पहला हमने डिजिट सेलेक्ट कर लिया, सो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि जी हम फिर से जो है ना तीन नंबर में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हम लेफ्ट साइड से हमने पहले वन सेलेक्ट किया और सेकंड टाइम हमने फिर से वन सेलेक्ट कर लिया, या हमने वन सेलेक्ट किया और सेकंड टाइम हमने टू सेलेक्ट कर लिया। सो हमारे पास सेकंड टाइम भी थ्री पॉसिबिलिटी है। हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है आखिर में, अगर तो हमारे पास ये कौन सी पॉसिबिलिटी है जी, ये वन वन, तो हम यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करें और रूट से ट्रैवर्स करना शुरू करें और लीफ तक आएँ, तो हमारे पास ये नोड रिप्रेजेंट कर रही है वन वन को, ये रिप्रेजेंट कर रही है वन टू को, ये रिप्रेजेंट कर रही है वन थ्री को, ये रिप्रेजेंट कर रही है टू वन को, क्योंकि टू से शुरू हुए हैं फिर वन पे आए हैं, टू से टू तक, तो ये टू टू को, ये टू थ्री को, इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रही है थ्री वन को, थ्री टू को और थ्री थ्री को। तो हमारे पास टोटल नाइन पॉसिबिलिटीज़ हैं और वो पॉसिबिलिटीज़ वन वन से लेके थ्री थ्री तक हैं। सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमारे पास पांच कुर्सियाँ गिवन हैं और तीन लोग हैं जिनको कुर्सी पर हमने बिठाना है, और हमें ये पता लगाना है कि कितने बैठने के ऑर्डर्स हो सकते हैं, कितनी दफ़ा कितने बैठने के जो है ना हम तरतीब भी रख सकते हैं, कि पहला बंदा इस कुर्सी पर बैठ जाए, दूसरा बंदा जो है वो उस वाली कुर्सी पर बैठे, तीसरा उस कुर्सी पर बैठे। तो सवाल ये पता होता है कि क्या ये सवाल जो है परम्यूटेशंस का है या ये सवाल कम्बिनेशन का है। अगर हमने तीन लोगों को बिठाया है और उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, मिसाल के तौर पे लेट से हमारे पास एक बंदा था उसका नाम एफ था, एक का नाम ए था, एक का नाम टी था, तो अगर हमारे पास ये चार कुर्सियाँ थी और हमने एफ को यहाँ बिठा दिया, टी को यहाँ बिठा दिया और तीसरा क्या था लेट से एस, तो एक एफ को यहाँ बिठा दिया, टी को यहाँ बिठा दिया और एस को यहाँ बिठा दिया, और या फिर हमारे पास ये चार कुर्सियाँ थी और हमने जो है टी को यहाँ बिठा दिया, एफ को यहाँ बिठा दिया और एस को यहाँ बिठा दिया। अगर ये दोनों चीज़ें सेम हैं
अगर हम कहें कि जी ये दोनों के दोनों जो तस्वीरें हमारे पास सेम हैं, तो ये सवाल कम्बिनेशन का है क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। मगर अगर ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं यानी कि ऑर्डरिंग मैटर करती है, तो ये परम्यूटेशन का सवाल है। सो ज़्यादातर जो इस तरह के सवाल होते हैं कि जी जिसमें हमारे पास हम कुर्सियों पर लोगों को बिठा रहे होते हैं, ये ऑर्डर मैटर करता है इसके अंदर, क्योंकि जो अगर हम इनकी पोजीशन स्विच करेंगे तो वो डिफरेंट हमारे पास जो है ना सीटिंग अरेंजमेंट आ जाती है, सेम सीटिंग अरेंजमेंट नहीं देती। सो ऑर्डर मैटर करता है। तो अब इस केस के अंदर हमारे पास हमने परम्यूटेशन का फार्मूला लगाना है, और वो फार्मूला क्या था जी हमारे पास के क्योंकि हमारे पास टोटल फाइव चेयर्स हैं, तो फाइव फैक्टोरियल ओवर फाइव माइनस थ्री फैक्टोरियल, क्योंकि हम फार्मूला क्या था, फार्मूला था एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस के फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आएगा फाइव टाइम्स, नीचे आंसर टू फैक्टोरियल आ रहा है, सो ऊपर वाले का फाइव फैक्टोरियल है, सो फाइव टाइम्स फोर टाइम्स थ्री टाइम्स टू फैक्टोरियल, नीचे वाले का आंसर है टू फैक्टोरियल, टू से टू कट गया, और ट्वेंटी टाइम्स थ्री इज वेरी डिफिकल्ट 60। सो इसका आंसर 60 आता है। सो आपको पूछ सकते हैं कि वाला फार्मूला कैसे आया है, ये फार्मूला अगर हमें आता नहीं है तो कैसे हम सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं कि जी हमारे पास वंस अगेन हमारे पास जो थी थ्री स्लॉट्स थी, वन टू थ्री, पहली स्लॉट में हमारे पास हम पांचों में से किसी को बिठा सकते हैं, तो पहली स्लॉट में हमने पांच बंदों को उठा सकते हैं, सेकेंड स्लॉट पर हम जो है क्योंकि एक बंदा यहाँ बैठ गया तो चार बंदों को बिठा सकते हैं, थर्ड स्लॉट में हम थ्री बंदों को बिठा सकते हैं, और जो है अगर हम इस तरह से भी करें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, वंस अगेन 60। सो बेसिकली ये वाला फार्मूला और ये वाली चीज़ जो है बिल्कुल सेम है। सो क्वेश्चन नंबर सेवन जो है हमारे पास, उसमें हमने सारी पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनानी है, सारी पॉसिबल अरेंजमेंट बनानी है वर्ल्ड कमेटी के। तो वो कह रहा है कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं वर्ल्ड कमेटी को, कम इसको इसके जो लेटर्स हैं इनको हम आगे पीछे करें, हमारे पास जो है डिफरेंट वर्ड्स आ जाए, मैं से बहुत सारे वर्ड्स, ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं वो उनका कोई मतलब नहीं बनेगा, मगर वो डिफरेंट वर्ड्स तो होंगे। सॉल्यूशन, अब जो है कमेटी के अंदर हमारे पास कितने टोटल वर्ड्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वर्ड्स। सो इसका आंसर अगर हमने डिफरेंट परम्यूटेशन बनानी है, डिफरेंट अरेंजमेंट बनानी है, कम्बिनेशन तो नहीं बनानी, तो इसका आंसर नाइन फैक्टोरियल है, नाइन फैक्टोरियल है। मगर मसला ये है कि उसके अंदर हमने कुछ चीज़ों को डबल काउंट किया है, यानी कुछ चीज़ों को मल्टीपल दफ़ा काउंट किया है। वो कैसे काउंट किया है कि जी अगर हमारे पास इन दोनों m की पोजीशन स्वैप भी हो जाए मिसाल के तौर पे, तो ये सेम वर्ड ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि हम इन दोनों m में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि नाइन फैक्टोरियल के अंदर हमने जो है m's को वो डिफरेंट पोजीशन को दोबारा दोबारा काउंट किया है। तो m की कितनी पोजीशन बन सकती हैं, जो m की कितनी पोजीशन बन सकती है, m की कितनी परम्यूटेशन बन सकती है, तो वो बन सकती हैं टू फैक्टोरियल, तो हमने इसको टू फैक्टोरियल से ना डिवाइड भी करना है। इस तरह से टी की कितनी बन सकती हैं जो है परम्यूटेशन, तो वो भी टू फैक्टोरियल बन सकती हैं, जैसे हमने टू फैक्टोरियल से दोबारा से इसको ना डिवाइड किया, और ई की भी हमारे पास टू फैक्टोरियल परम्यूटेशन बन सकती हैं, तो हमने इसको दोबारा से टू फैक्टोरियल से डिवाइड किया, तो इसका आंसर आएगा एट द एंड नाइन फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल एंड टू फैक्टोरियल। सो ये सवाल जो है काफ़ी सिमिलर है मल्टीनोमियल कोफिशेंट से, मगर मल्टीनोमियल कोफिशेंट जो होता है उसका डिफरेंस खाली इस तरह से है कि उसके कैसे हमारे पास डिस्टिंग हमारे पास जो है चीज़ें होती हैं, और हमको हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। इस केस में हमारे पास चीज़ें डिस्टिंग नहीं है, बल्कि उनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सेम हैं, और हम उनमें से जो है कॉमन चीज़ें जो है ना वो निकाल रहे हैं, ऑल्दो के दोनों का फार्मूला जो है वो सेम है। सो नाउ लेट्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।